अपने आप को इस ब्रह्मांडी चेतना के सामने समर्पित करने के लिए तैयार हो जाइए, खुद को हील करने के लिए, खुद को सेहतमंद बनाने के लिए, खुद को वैसा बनाने के लिए जैसा माता प्रकृति ने आपको बनाया था। जाने अनजाने जो भूल हमसे हो गई है, जिसके कारण आज हमारे पास किसी भी वस्तु का अभाव हो रहा है, उसके लिए हम क्षमादान मांगेंगे और धन्यवाद करेंगे आने वाले सारे सुखों के लिए। तो चलिए, अपने आप को हील करने के लिए अपने शरीर को एक आरामदायक अवस्था में पहुंचाइए, शांति से लेट जाइए, रिलैक्स होकर के एक आसन में अपने शरीर को छोड़ दीजिए, अपने पैरों को आराम की अवस्था में छोड़ दीजिए। अपने जंघों को, अपने लोअर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, कमर, पीठ, कंधा, सीना, पेट एकदम आराम से, दोनों भुजाओं को, हथेलियों को, उंगलियों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, कंधा, गला, सिर एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, आँखों में, माथे पर, बालों में, चेहरे पर, मुंह में, आपकी जीभ में, कहीं भी स्टफनेस होगा एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स, 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 शांति, शांति, शांति। अब अपने आप को एक महान पिरामिड के भीतर महसूस कीजिए, ऊर्जा से बना हुआ एक पिरामिड, बिल्कुल तांबे के रंग से चमकता हुआ। उस पिरामिड के भीतर आप हैं और यह पिरामिड और आप अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में है। चारों तरफ एक असीम शांति और एक असीम अंधेरा है। तारामंडल, प्रकाश मंडल दिख रहे हैं और पूरी तरह से आसपास एक शांति फैली हुई है, एक चेतना फैली हुई है। अपने आप को इस महान चेतना के लिए तैयार कीजिए, अपने आप को इस महान शांति के लिए स्वीकार कीजिए। इस ब्रह्मांडी चेतना को ध्यान में रखिए और आप देखिए चारों तरफ से प्राण ऊर्जा आपके पास आ रही है और इस पिरामिड के सबसे ऊपर वाले कोण में जाकर इकट्ठी हो रही है और एक प्रकाश का पुंज बन रही है। उस प्रकाश के पुंज से धीमे धीमे वह ऊर्जा आपके शरीर में उतर रही है, बिल्कुल आपके हृदय चक्र में बीचों बीच उतर रही है और सारे शरीर में यह ऊर्जा फैल रही है। अब आप अपने आप को हील कर सकते हैं इस ब्रह्मांडी चेतना के जरिए। आपके हीलर आपको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं उसी प्रकाश पुंज में जो पिरामिड के बिल्कुल ऊपर है। आपकी चेतना, ब्रह्मांडी चेतना और आपके हीलर की चेतना आपस में मिल रही है और अब आप एक महान चेतना में बदल रहे हैं। अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं अपने शरीर के साथ, लेकिन उससे पहले मन में ही हाथ जोड़कर इस ब्रह्मांड से क्षमादान मांगिए अपने जाने अनजाने के सारे भूलों के लिए। मैं क्षमादान मांगता हूँ मेरी गलतियाँ जो मैं अपने शरीर के लिए कर बैठा हूँ, मैं क्षमादान मांगता हूँ जो गलतियाँ मैंने अपने विचार पटल में की, मैं क्षमादान मांगता हूँ
मेरे जाने अनजाने किसी कर्म से कोई आहत हुआ और अब मैं इन सारे 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 क्षमा भाव से भी मुक्त होना चाहता हूँ। धन्यवाद हे माता प्रकृति, धन्यवाद ओ यूनिवर्स मुझे मुक्त करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अब अपने आप को हील करना है हमें। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्रों पर रख लीजिए। हृदय चक्र जो कि हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय से सारी रक्तवाहिका जुड़ी हुई है। शरीर में जहाँ भी रक्त का आदान प्रदान होता है उसका मूल केंद्र हृदय है। अब आप अपने हृदय चक्र के द्वारा अपने हृदय को शक्ति से भर रहे हैं। ब्रह्मांडीय चेतना, वो सबसे महान हीलर जो कहीं आपके साथ है, उनकी ऊर्जा, उनके दोनों हाथों की ऊर्जा आपके हाथों से बहते हुए आपके हृदय चक्र में आ रही है। वह परमपिता परमात्मा जो सबसे महान हीलर है, उनके हाथों से ऊर्जा आपके हाथों में आ रही है और आपके हृदय चक्र से होते हुए आपके हृदय को और संपूर्ण रक्तवाहिका को हील कर रही है। आपके शरीर का सारा रक्त आपके हृदय के सशक्त होने से, सकारात्मक होने से, सकारात्मक ऊर्जा से बहने से पूरी तरह नई चेतना और नई ऊर्जा से भर रही है। गहरी सांस लेते रहिए, गहरी सांस लेते रहिए, गहरी सांस लेते रहिए। शरीर के हर दिशा में इस रक्त को जाने दीजिए जो कि आपके हाथों से बहने वाली इस ऊर्जा के जरिए आपके हीलर की इस ऊर्जा को अपने भीतर समाये हुए है। पूरा हृदय चक्र हृदय को सशक्त बना रहा है, सारा रक्त शुद्ध हो रहा है, सारा रक्त बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे माता प्रकृति ने आपको जन्म देते वक्त की दिया था। बिल्कुल साफ, बिल्कुल निष्काम, बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल किसी छोटे मासूम से नवजात शिशु की तरह साफ शुद्ध रक्त हर एक नाड़ियों में, हर एक नसों में अपने इस रक्त को बहता हुआ महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। अपने हृदय चक्र की इस ऊर्जा को अपने रक्त में महसूस कीजिए। आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं, आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं, आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। अपने आप को हील होता हुआ महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। हृदय चक्र की सारी ऊर्जा आपके रक्त में फैल रही है। दिन ब दिन आपका रक्त और शुद्ध होता जा रहा है,
चेहरे की कांति, शरीर की कांति बढ़ती जा रही है, आँखों में तेज आ रहा है, पूरे आभा मंडल में तेज आ रहा है, जीवन सुख से भर रहा है, सेहत से भर रहा है। और आप अपने आप को यह आदेश दे रहे हैं कि अब आप वही खाएंगे जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, अब आप वही पिएंगे जो आपके शरीर के लिए, आपके रक्त के लिए अच्छा है। एक संयमित जीवन शैली जिसे आप पूरी तरह से एंजॉय करने लगे हैं, पूरी तरह से मज़े लेने लगे हैं अपनी संयमित जीवन शैली को, बहुत ही सुंदर तरीके से हृदय चक्र को, अपने हृदय को और अपनी रक्तवाहिका को हमने हील किया। और अब हम आते हैं अपने मणिपुर चक्र में, हृदय चक्र से ठीक नीचे। दोनों हाथों को मणिपुर चक्र में रखेंगे और ऊर्जा को बहने दीजिए। दोनों हाथों से ऊर्जा को मणिपुर चक्र में बहने दीजिए। आपके हीलर आपको हील कर रहे हैं, वह परम पिता परमात्मा जो दुनिया के सबसे महान हीलर हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे महान हीलर हैं, उनके हाथों से आने वाली इस ऊर्जा को अपने हाथों में महसूस कीजिए। और मणिपुर चक्र के सारी ऊर्जा को अपने शरीर में समाने दीजिए। अब आप जो भी खाते हैं वह प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आपने संयमित जीवन शैली अपना लिया है, आपने संयमित भोजन अपना लिया है। अब आप जो भी खाते हैं उसमें आपको भरपूर स्वाद आता है, पूरे आनंद से आप खाना खाते हैं, और जो भी खाते हैं उसे पूरी तरह से पचाकर अपने शरीर में समा लेते हैं, उस प्राण ऊर्जा को अपनी आत्मा में ग्रहण कर लेते हैं। आपका जीवन एक सेहतमंद जीवन है, आप एक सेहतमंद शरीर में वास करते हैं, आप एक सेहतमंद शरीर में वास करते हैं। आपका पूरा शरीर सेहत से भरा हुआ है, आपका पूरा शरीर सेहत से भरा हुआ है, आपका पूरा शरीर सेहत से भरा हुआ है। आप जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, आप जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मणिपुर चक्र आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे पाचन तंत्र को हील करेगा, कर रहा है, करता है। इस ऊर्जा को अपने उदर में समाने दीजिए, अपनी जठराग्नि में समाने दीजिए, अपने स्टमक में समाने दीजिए, अपने अतड़ियों में के सारे रास्तों में इस ऊर्जा को जाने दीजिए। अपने खाए हुए खाने को ऊर्जा में बदलना अब आपको आता है, अपने खाए हुए खाने को ऊर्जा में बदलना अब आपको आता है, आपके शरीर को आता है। बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी विरोधाभास के, आपका शरीर पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है अपने आप को, हर खाने को। हर चीज़ एफर्टलेस हो रही है, हर प्रक्रिया बिल्कुल सरलता से हो रही है, सहज होकर हो रही है, सहज होकर हो रही है। यह अब आपका शरीर पूरी तरह से सीख चुका है। और अब अपने आप को आप पूरी तरह से हील कर चुके हैं, उस महान हीलर की ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर चुके हैं। और अब धीरे धीरे जागने का समय आ गया है। दोनों हाथों को फिर से नीचे रख लीजिए, हल्के हल्के सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, एकदम हल्का और गहरा सांस। और अब अपने अंगूठों को महसूस कीजिए, पैरों के अंगूठों को महसूस कीजिए, उंगलियों को महसूस कीजिए।
हल्का हिलाइए अपनी एड़ी को, अपने घुटनों को, जंघों को, कुल्हों को, अपनी पीठ, अपना सीना, अपना स्टमक, अपने लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कंधा, गला, हाथों की हथेलियाँ, उंगलियाँ, कान, आँख, नाक, मुंह और माथा। अपने माथे को हल्का सा स्क्वीज कीजिए, हल्का सा हिलाइए। हाँ, अपनी कुटियों को, आईब्रोज को हिलाइए और गहरी सांस ले करके अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब करके अपने माथे पर रखिए। चेहरे को हल्का हल्का एक मसाज दीजिए। हथेलियों की सारी ऊर्जा को अपने चेहरे में समा लीजिए और धन्यवाद भाव से धीरे से आंखें खोलिए। हे परमपिता परमात्मा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।